चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश यादव निरहुआ ने कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसके बाद वह आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि आजमगढ़ में उनकी पहली रैली में ही विवादों में घिर चुके हैं। जी आपको बता दें कि सोमवार को निरहुआ ने आजमगढ़ में रोड शो कर रहे थे। निरहुआ के रोड शो के दौरान परमापुर गाँव के लोगों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, साथ ही साथ अखिलेश यादव के समर्थक ने अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सोमवार को दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से मेहानपुर चौक तक रोड शो कर रहे थे। इसी कार्यक्रम दिनेश लाल यादव निरहुआ का काफिला जब परमापुर गांव से होकर गुजरा तो ग्रामीणों ने निरहुआ को रोकने की कोशिश की और निरहुआ को जाने को कहा। जी हां, यह देखकर पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गया और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और उसके बाद निरहुआ को तुम वापस जाओ के नारे लगने लगे। यानी कि निरहुआ के पहली रैली में ही उनको विपक्षी लोगों का सामना करना पड़ रहा है। उधर यह देखकर काफिले में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ने ग्रामीणों को अपशब्द कहने लगे, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस और निरहुआ के काफिले पर जमकर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद निरहुआ के काफिले को परमापुर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद निरहुआ का यह रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आपको बता दें कि निरहुआ के रोड शो की काफी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और वह अपने रोड शो को सीधा सीधी फेसबुक पे लाइव भी करते हुए नजर आ रहे हैं।